पूरा पूरा प्राइवेट पार्ट खत्म हो गया है या थोड़ा कट के ही छूट गया है? पूरा वही कटवाई है तो। अगर मान लीजिए कि वो निर्दोष निकली तब क्या कीजिएगा? निर्दोष कैसे, वही उसी का हाथ है, पूरा उसी का हाथ है ना, चाहिए इसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पत्नी से छुटकारा पाने के लिए खुद के साथ ऐसा घटना घटा लिए? इसका चक्कर तो वो चल रहा था, एक है हमारा पापा का दोस्त का लड़का है वो मौजूद है सुधीर मंडल के पास सुपौल जिले में। 8 जनवरी को बाहर से आते हैं और 8 जनवरी के रात्रि में ही इनका प्राइवेट पार्ट कट जाता है। घटना कैसे हुआ? देखिए 8 जनवरी को घर आया 2:30 बजे के लमसम में, वो खाना पीना खाया, हम सो गया तो थकावट का महसूस हुआ तो हम बोले हमको सोना है, तो बोला मम्मी सो जाओ तो सो गए। फिर रात में 8:30 बजे के लमसम में हमको खाना खाने के लिए उठाया मम्मी हमारा पत्नी ने, हम बोला हमको खाना नहीं खाना है, तो बोला ठीक है नहीं खाना है, तो पत्नी हमारा बोला जो दूध पी लो, तो पत्नी ला के दूध दिया हमको पीने के लिए। दूध पीने के बाद थोड़ा चक्कर आया तो मैं बोला, मैं सोचा यही मन में सोचा, किसी को नहीं बताया, मन में सोचा जो 3-4 दिन का रास्ता से थकावट हो तो ऐसे हो सकता है, लेकिन वो पूरा मेरे को बेहोशी छा गया। बेहोश होने के बाद अब ये हमको पता नहीं चला हमारे साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, कहाँ है नहीं है, कुछ हमको मालूम नहीं चला। और 3 दिन के बाद दरभंगा में तब हमको पता चला जो हमारा प्राइवेट पार्ट गायब हो गया। पूरा प्राइवेट पार्ट खत्म हो गया है या थोड़ा कट के ही छूट गया है? पूरा खत्म हो गया। कौन डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोला पाइप लगा हुआ है। अच्छा, मतलब जड़ से जैसे कि एक किन्नर को रहता है उस टाइप से काट के हटा दिया गया? हाँ। आपकी पत्नी आपका प्राइवेट पार्ट क्यों कटवाई, क्या दुश्मनी रहा होगा आपसे? इससे पहले 2 महीना के बाद वो फिरार हो गया था। कब? शादी का बाद। शादी के कितने दिन हो गए? 8 साल हो गया। तो 8 साल हुआ था तो 8 साल पहले वो फरार हो गई थी। शादी का 2 महीना के बाद वो फरार हो गया था, तो फिर हम उसको रखने के लिए नहीं तैयार था। मैं अपने मम्मी और पापा को बोला उसको मैं नहीं रखेंगे, तो मम्मी पापा बोला अब ऐसा गलती नहीं करेगा, पूरा पंचती उंचती बैठाया, पूरा समाज मिल के उसको फिर ले आया। तो उसके बाद तो नहीं भागी ना? उसके बाद भी भागी थी? उसके बाद नहीं भागी। तो उसके बाद तो 3 बच्चे हुए आपके? 2 बच्चे हुए। अच्छा, 2 बच्चे अभी आपके पास कितना बच्चा है? अभी 3 बच्चे हैं। तो एक बच्चा आपका नहीं है? वो बच्चा हमारा नहीं। किसका बच्चा है? वो तो वही बताएगा ना, बच्चा के बारे में कभी हमको बताया भी नहीं। आपको पता नहीं था? नहीं, कोई नहीं बताया, घर के लोग भी नहीं बताया? घर के लोग बताया लेकिन वो हमको नहीं बताए। अच्छा, बाहर से जब आए 2 बजे आए तो क्या अपनी पत्नी से बात नहीं किए? वो हमको बजाया भी नहीं, बोला कुछ बोला भी नहीं हमको। आप भी नहीं बोले? हम नहीं बोले उसको। क्यों नहीं बोले? आपके मन में पहले से कुना था क्या? कुना यही था, वो मेरा मम्मी पापा बीमार था तो उसी से उस ढंग से हमसे बात नहीं करते थे, वो अच्छा से बात नहीं करते थे। तो आपने कहा कि आपका ससुर भी आपको गाली दिया है, धमकी दिया है, क्यों दिया है? वो दरभंगा में क्यों दिया है धमकी? वैसे धमकी दिया, ऐसा बात आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ओ, जो आप बाहर निकले थे, और तो आप बाहर निकले हैं बाथरूम के पास, आपको पकड़ के 4 आदमी ले गए थे, ऐसा बात बोलने के लिए वो बोला। अच्छा, आपके घर साथ घटना का 22 दिन हो गया, क्या पुलिस कोई कार्य की है, कार्रवाई की नहीं की है? पुलिस आया था, बयान लेके गया है, और फिर देखो आज आने वाला है। आज पुलिस आने वाला है? क्या आप चाहते हैं कि आपको क्या न्याय मिले? हमको न्याय मिलना चाहिए, इसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पत्नी से छुटकारा पाने के लिए खुद के साथ ऐसा घटना घटा लिए? ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। या किसी महिला से आप ही को चक्कर रहा हो और आप उसको छोड़ दिए हो, तो कहीं गुस्सा में आके वो कटवा दी हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है आपको? कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, जब शुरू में भागी थी उसके बाद भी इसका किसी से चक्कर चल रहा था? इसका चक्कर तो वो चल रहा था, एक है हमारा पापा का दोस्त का लड़का है, वो आता जाता था हमेशा आता जाता था, हम तो बाहर में थे, हमको पता चलता था, तो मम्मी को
मम्मी को बोलता था, मम्मी बोलता है ठीक है अब नहीं आएगा, वही लड़का आता जाता था। आप आए जब बाहर से तो किसी को बताया कि हम आ रहे हैं कि सिर्फ घर के लोगों को पता था? ओ घर के लोग, घर को के लोग भी बताए थे और एक उसका भाई के भी बताए थे जो वो हम आ रहे हैं गाड़ी लेके आओ तो। अच्छा पहले से पत्नी के साथ आप मारपीट करते थे क्या? नहीं करते थे। तो फिर आपको शक है कि उसका प्रेमी कटवाया है? शक है, वही मिल के हमको कटवाया ना, उसी का हाथ। क्यों कटवा सकता है उस, मतलब कटवाने का क्या रीजन होगा? रीजन होगा जो इसको विकलांग कर देंगे, हम उसी के साथ भाग जाएंगे। अच्छा मतलब आपके आते ही आपका प्राइवेट अंग यानी कि आपका लिंक काट दिया कि मेरी प्रेमिका कोई छुए नहीं। हाँ, सो ही ना। हाँ, इसीलिए कटवा दिया। हाँ, तो क्या आप उसको रखना चाहेंगे? वो आप ही के घर में है? नहीं रखेंगे उसको, प्रशासन आएगा अपना ले जाएगा। अगर वो नहीं कटवाई होगी तो? वही कटवाई है तो। अगर मान लीजिए कि वो निर्दोष निकली तब क्या कीजिएगा? निर्दोष कैसे, वही उसी का हाथ है, पूरा उसी का हाथ है ना। आपको कैसे पता चला कि वही कटवाई है? उसके पास सोया हुआ था, जब उसके पास सोया है उसको मालूम नहीं है, घर हमारा लगा हुआ है, कोई धक्का मारेगा इधर हमारा मम्मी पापा सोया हुआ है, उसको तो धक्का मारेगा तो उसको तो पता चलेगा। बिल्कुल, आपको दूध दी थी पीने के लिए? दूध हमको दी थी पीने के लिए, उसी में नशा हो गया, उसी में नशा हो गया था, तो नशा हो गया था तो ऐसे यही हुआ। तो ये थी कलयुगी पत्नी की कहानी, जो पति लगभग कितने दिनों बाद आए थे? 10 महीने का। पति लगभग 10 महीना बाद बाहर से कमा कर आता है, 2 बजे आता है और रात्रि के में दूध पीने के लिए देती है, और दूध पीने के बाद जब ये बेहोश हो जाता है तो पता नहीं खुद या किसी के साथ मिल करके इनका प्राइवेट पार्ट काट देती है, इनका आरोप है। हालांकि महिला स्वीकार नहीं रही है कि मैंने गलती किया है, महिला एक बार भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। महिला कह रही है कि मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, किसी से मेरा कुछ भी नहीं है, हमने पति को कुछ नहीं करवाया है। बाकी तो सुधीर मंडल जी है, इनका आप जो दुर्दशा देख ही रहे हैं शादी के 8 साल बाद जो क्या क्या घटना हुआ, कलयुगी पत्नी ने जो घटना किया है और जो घटना आजकल की महिलाएं करती है उसके बाद, क्या आप लोग बता सकते हैं, सारे दर्शक भी है, कि कोई भी मर्द अपनी पत्नी पर क्या भरोसा करेगा, कोई अपनी पत्नी के भरोसे क्या शांतिपूर्वक रह सकता है? इस तरह की घटना होने के बाद क्या महिला या लड़की पर कोई भरोसा कर सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।